1990 में हमारा गांव में तो साइक्लोन आया जब साइक्लोन आया तो हमारा लाखों का उस टाइम नुकसान हो गई थी इतना कानून मिल रहा था कितने मिल रहा था वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया था मैं कैसे रह पाऊँगा जैसे टाइम में बैठा था मैं मुझे उतरना था कोई एक स्टेशन था मैं कहीं और उतर गया था रात को दो बज रहा था स्टेशन में इंसान कोई भी नहीं है रो न आ रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ मैं अचानक एक खुदा भी एक एज पर्सन आया था वो एक लुंगी बांधा हुआ था एक वाइट कुर्ता जैसा था हाथ में एक लोटा जैसा था आके कहते बेटा मैं ले जाऊँगा फिर एकदम मैंने जाना इतना अच्छा हेल्प किया इन्होंने इनको कुछ पैसा देना चाहिए जैसे मैं सोच के जेब मैं रखे देखा था वो भाई हाँ नहीं उसके तो मीमिन हम लोग अब्दुल कलाम जी था जो राष्ट्रपति थे तो उनके पास भी जाके डी आर डी ओ का वेबसाइट का हम लोग एक एक करके उनको दिखाए थे प्रेजेंटेशन में जैसा हमें पता चला प्रेगनेंसी है हम दोनों पूरा एक्सपेरिमेंट किया अपना बेटी के ऊपर मैडम के अंदर जो उनका बीमारी है था वो सब कुछ विद इन टू मंथ्स में इस मेडिटेशन में आने के बाद ठीक हो गया मेरा मदरन ला गिर गए गिर के बहुत ज़्यादा बेडन होना पड़ा और डॉक्टर्स ने बोला इनको कभी ठीक नहीं हो सकता है मित्रों पीएमसी हिंदी की खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है आत्मा अनुभव लेने के लिए शरीर धारण करती है और उसी के लिए वो अपनी परिस्थितियाँ परिवारजन समाज में उसको किससे मिलना है कैसे उसको रहना है कहाँ रहना है ये सब पहले से ही वो डिसाइड करके आती है यहाँ आने के बाद उसका स्वभाव उसके परिवारजनों द्वारा और अच्छा निर्मित होता है और वो अपने आगे के जीवन में जो उसका लक्ष्य है कि उसको किस लिए वो धरती पर आया क्या उसको करना है इन सबका वो समागम करता है और आगे बढ़ता चला जाता है तो हम आज मिलेंगे एक सीनियर पिरामिड मास्टर से जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सभी उतार चढ़ावों के बावजूद अपने जीवन के लक्ष्य को समझा जाना और उस पर आगे बढ़ते चले गए परिस्थितियां तो आती ही हैं और समाज सिखाता भी है परंतु अपने जीवन को कैसे सीखना है ये उनकी तमन्ना हमेशा बनी रही तो आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर राम मोहन नडेला जी से जो कि इंजीनियर हैं अभी भी और अपने जीवन को उन्होंने अभी पूर्णतः सेवा के लिए अध्यात्म के लिए लगा दिया क्योंकि उनको जीवन के अंदर अपना लक्ष्य मिल गया मैं किस लिए धरती पर आया था उनको समझ आ गई वो 2015 से आना पाना स्थिति ध्यान कर रहे हैं ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे इतना सुंदर और आरामदायक सुखदायक बनाया स्वागत करते हैं उनका स्वागत है राम मोहन नडेला जी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में हमेशा जो एक आत्मा जब जन्म लेती है इस धरती पर तो वो एक ऐसे परिवार में आती है जहाँ से वो नए संस्कार और अच्छे तरीके से सीखती है तो हम जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता कौन थे जिस परिवार में आपने जन्म लिया कहाँ लिया और परिवार में कौन कौन था मैं मेरा जन्म हुआ था 1975 नाइनटीन सेवेंटी फाइव में एक छोटा सा विलेज है आंध्र प्रदेश में वक्कल गड्ढा करके एक विलेज है मेरे फादर का नाम है कृष्णा राव मेरे मदर का नाम है लक्ष्मी मेरा हम लोग टोटल तीन भाई है मैं दूसरा नंबर में हूँ मेरा बड़े भाई करता है उधर ही छोटा बिजनेस करते हैं मेरा छोटा भाई भी बिजनेस करते हैं मैं फिर अपना जॉब के लिए मैं नॉर्थ में आके फिर यहाँ दिल्ली में सेटल होके किया था हमने ये अपना परिवार के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है हम जानना चाहते हैं राम जी कि आपका बचपन कैसा था बचपन में परिवार माता पिता कौन सी पद्धति को मानते थे बचपन से हमें बिल्कुल फ्रीडम मिला हुआ था हम लोग हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ का रुकावट नहीं होते थे हमेशा हम लोग जैसा पूरा दिन हम लोग ग्राउंड में रहते थे जैसा स्कूल होते थे स्कूल स्कूल में जाना उसके बाद हमेशा खेल 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 सिर्फ पढ़ाई होता था स्कूल के टाइम में नहीं तो ट्यूशन में घर पे कभी किताब खोलने का भी नाम नहीं लेते थे जहाँ तक मस्ती ये चलते थे और जब पढ़ाई करते थे पढ़ाई पे बिल्कुल डेडिकेशन भी रहता था जैसा मेरा सेकंड क्लास में एक बार इंसिडेंट हुआ था टाइफाइड हो मैं दो महीना स्कूल नहीं जा पाया था दो महीना स्कूल नहीं जा पाया था तो हमारा स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ एक अटेंडेंट होते थे वो स्कूल्स में जो भी बच्चा नहीं आया था उनके घर पर जाके बोलते थे कोई भी कुछ ऐसा आपका बच्चा नहीं आ रहा है करके उसने आगे बोला तो फिर कल इंस्पेक्शन है आपके बच्चे को मैं टीचर्स कह रहे थे आने के लिए फिर मैंने बोला मेरे पेरेंट्स ने बोला इसका टाइफाइड नहीं आ पाएगा मैंने बोला नहीं मैं चले जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है इंस्पेक्शन रुकना नहीं चाहिए मतलब इंपॉर्टेंट काम होगा तो चले जाऊँगा फिर टीचर्स ने बोला अगले दिन मैं पहुँच गया था स्कूल टीचर ने बेटा आपको आने की क्या जरूरत है टाइफाइड होगा तो घर बैठ जाते हैं मैंने बोला कोई बात नहीं ऐसा आप लोग इंस्पेक्शन करके मैसेज आया था मैं आ गया था फिर जैसे इंस्पेक्शन ख़त्म होगा टीचर्स तो ने घर भेज दिया था उसको अटेंडेंट को देखे के अब वो बचपन में ये लगता था कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो अपने वजह से रुकटाना नहीं चाहिए फिर मेरा फादर ने कभी कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था बचपन से उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता था ये सब लोगों को क्या होता था पैसा देना होता था बचपन से हम लोग कई लाखों लोग जैसे घर पर आके अलमर में रखते थे उसका हमें कहते थे बेटा आप ले आके इतना पैसा लेके आना फिर हम लोग ले आते थे फिर शाम का टाइम क्या होता था जिससे लेबर लोग काम करके आते थे पूरा उनके हिसाब देखना पड़ता था वो भी हम लोग करते थे जैसे मेरा मदर को कई बार करती है नहीं तो हमें दे देती दे दे थे बचपन से क्या होता था पूरा कैलकुलेशन करना, करना। ही करना ऐसे ही मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिर हम लोग पूरा उनका घर पे एक तो मस्ती भी करते थे और काम भी साथ साथ संभालते थे पूरा बचपन हमारा ऐसे चले गए थे मतलब फूल एंजॉयमेंट बिल्कुल बहुत आ, अच्छा। इसमें राम जी जैसा कि आपका बचपन भी था धीरे धीरे पढ़ाई भी बढ़ती है ठीक है परिवार में और समस्याएं आती है तो ऐसा कुछ और जीवन के अंदर घटना घटित हो तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं एक बार क्या में हमारा गांव में मतलब पूरा स्टेट में आया था साइक्लोन आया था जब साइक्लोन आया तो हमारा जो भी आ, मतलब प्रोडक्ट्स थे जो भी दान था ये सब कुछ जो स्टोर किया हुआ था सारी पेड़ गिर के उसमें सब कुछ नुकसान हो गया था और अपना कई सारी लाखों का उस टाइम नुकसान हो गई थी फिर मेरे फादर ने क्या किया था अपना के जो भी प्रॉपर्टीज थे अपना सारी बेच दिया था उस टाइम बेच के जितना लोगों को पैसा दे रहा था सबको दे के फिर वहाँ से अपन लोग अपना घर शिफ्ट कर लिए थे नियरली डेढ़ सौ किलोमीटर वहाँ से जैसा भी वो तेलंगाना में पड़ता है तेलंगाना शिफ्ट चले गए थे हम लोग फिर उस टाइम मेरा मामा ने बोला था आ, बेटा हम लोग आपको पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अच्छा पढ़ते हो आप आप हमारे साथ आ जाओ हम लोग ले जाके करेंगे फिर मैंने सोचा था ऐसा करना नहीं तो पेरेंट्स के साथ जाना मेरा पेरेंट्स ने बोला चले जाना तो जाओ ठीक है पढ़ के फिर ऐसा करके दिया था फिर मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी मिला जाके करना चाहिए फिर पढ़ना चाहिए फिर मैं मेरा मामा के घर पे जाके फिर मैं जैसा कॉलेज में ज्वाइन किया था करने के बाद मेरा मामा ने एक ही बात बोला हुआ था बेटा आप कोई भी काम है हर एक काम आपको सीखना चाहिए जैसा पढ़ाई कर रहा हो करके सिर्फ उस पर कभी निर्भर नहीं होना चाहिए आप जैसा खेती का है हर एक काम आपको आना चाहिए बाद में आप जैसा बैंस का लेके दूध कैसे निकालना ये सब कुछ भी आ, उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाए थे आपको एक काम आगे करो ना करो लेकिन आपको सीखना चाहिए फिर जैसा मैं हमारा मेरा नाना गर, गर के घर पे घर से नियरली थर्टी किलोमीटर की दूरी में मेरा कॉलेज था मैं वहाँ जाके रुकते थे जैसे छुट्टियाँ आता था सैटरडे संडे मैं घर आके आ, मेरा नाना के घर थे उनका जैसे खेत में जाना हाँ जो भी काम उस टाइम चल रहा होगा उसमें इन्वॉल्व होना हमारा कॉलेज क्या होता था दो महीना चलता था तीन महीना छुट्टियाँ होते थे फिर मैं आके इधर एग्रीकल्चर का, का काम करता था पूरा करते तो लोग कहते थे क्या पढ़ाई छोड़ के यही काम कर रहे हैं आप ऐसा फिर मेरे एक हैबिट बचपन से ये है न्यूज़पेपर पढ़ना और बुक्स पढ़ने का उस गांव में एक लाइब्रेरी होता था रोज वहाँ जाके एक घंटा बैठता था दोपहर में आ, वो लोग कहते थे ये तो पढ़ाई छोड़ के ऐसा बन रहा है ये उसका पोता है ऐसा बोलते थे गाँव में मतलब एकदम एन्जॉयमेंट जैसा बचपन का लगता था वो पूरा मतलब एग्रीकल्चर का काम ये ए टू जेड मैंने सीख लिया था उस टाइम करके फिर उसके बाद जैसा पढ़ाई ख़त्म हो गया उसके बाद फिर अपना पेरेंट्स के पास गए था आ, उसके बाद किसी के एक रिलेटिव्स के थ्रू मुझे नौकरी मिला था उनकी कंपनी में वो कंपनी थे मैंने कोर्स किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लेकिन वो था कंप्यूटर का रिलेटेड था उन्होंने बोला यहाँ से महाराष्ट्र में एक कॉलेज है वहाँ पर जाके आपको काम करना है उस उसमें फ्रेंड्स का रिजर्वेशन के बारे में ना इसके बारे में मुझे पता नहीं था फिर जिस ट्रेन में बैठा था मैं मुझे उतरना था कोई एक स्टेशन था मैं कहीं और उतर गया था कहीं और उतर के उतरने के बाद वो रात का दो बज रहा था स्टेशन में एक सुनसान कोई भी नहीं है फिर बाहर आया एक रोना आ रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ मैं और कुछ पता भी नहीं चल रहा है सब मैं यहाँ से जाऊँ फिर अचानक एक बुढ़ा सा आदमी एक एज पर्सन आया था वो एक लुंगी बांधा हुआ था एक वाइट कुर्ता जैसा था हाथ में एक लोटा जैसा था आके कहते बेटा मैं ले जाऊंगा उन्होंने उनको उन्हों रास्ते में पुलिस वाला रोका कई सारे लोगों ने रोका था वो अपना लैंग्वेज उन्होंने बता दिया था मुझे ले जाके बस स्टैंड में बिठा के कल सुबह पाँच बजे चार बजे ये बस आता है उसमें बैठ के आप, आप उस प्लेस में चले जाना ये सब कुछ मुझे कम्युनिकेट करके बताया हुआ फिर एकदम मैंने चले लगा इतना अच्छा हेल्प किया इन्होंने इनको कुछ पैसा देना चाहिए जैसा मैं सोच के जेब में रखे देखा था वो भाई नहीं उधर ये ज़िंदगी में कभी मैं भूल नहीं सकता मतलब कोई चीज़ हम लोग हमें कैसा हेल्प करती यूनिवर्स हमेशा अपना देखभाल कैसा करता है उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था जैसे फिर महाराष्ट्र में मुझे खाने पीने की दिक्कत लगा था फिर मुझे लगा था यहाँ पे मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ फिर वहाँ से छोड़ के फिर मैं अपना गांव चले गए थे गांव जा कर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल ऐसा जगह में पता नहीं कैसा है ये करके फिर मैं अपना खेती बाड़ी करूँगा करके मैंने बोला पेरेंट्स ने वो बोला कोई बात नहीं कर लो वो कभी ये नहीं बोला ऐसे नहीं जाके पढ़ाई करो ये कर, जॉब करो ऐसे नहीं बोले फिर जैसे मैंने पढ़ाई खेती में फिर पूरा लगाव से किया मैंने लगभग काफ़ी डिफरेंट क्रॉप्स भी मैंने किया था एक साल पूरा उसके अंदर लगाव से किया लेकिन क्या होता है खेती में हमेशा ये चीज़ होती है जब फसल आता है तब पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कब उसका मार्केट रेट होता है पता नहीं होता है और कब बारिश आके एकदम पूरा फसल खराब होता है ये सब कुछ जब एक साल में मैंने एक्सपीरियंस किया था फिजिकली जब काम करके तब ओवरऑल मैंने लास्ट में देखा था नियरली फोर्टी थाउजेंड मुझे नुकसान हो चुका था उस टाइम फिर मेरे पापा ने बोला फिर नौकरी का तो कुछ पता नहीं चलता था जैसा अभी एक साल आपने खेती किया आगे के देख लो कुछ नौकरी करना है क्या करना है फिर आ, मैं देख रहा था ऐसा कोई जॉब के लिए इतना में वेकेंसी निकला फिर मैं दिल्ली आया उस पर दो ही पोस्ट था और उस दो ही पोस्ट में एक मेरा हो गया एक मेरे दोस्त का दोनों हम लोग आगरा से आए थे हम दोनों का सिलेक्शन हो गए थे ऐसे मैं घर से दिल्ली जा रहा करके बताया था टिकट करवा लिया रिजर्वेशन करवाने के बाद उस दिन दस घंटा ट्रेन लेट हो गया था सुबह छः बजे आने वाली रात को छः बजे लगभग पाँच बजे करीबन आई थी कुछ पता नहीं था दिल्ली में कोई भी जानकारी नहीं है मुझे लगा ये कैसा जाओ ना जाओ मैंने लेकिन जॉब तो करना ही है फिर इस चल रही है सोच के फिर मैं निकला घर से मतलब तो स्टेशन में बैठा था पूरा दस दिन आठ घंटा बैठ के फिर मैं ट्रेन में बैठ गया था बैठ के बाद दिल्ली कब आऊँगा कुछ पता नहीं आने के सुबह छः बजे निकलते तो अगले दिन छः बजे टोड़ देते थी सीधा मैं सोचा जॉब के पास जाके वहाँ कुछ ना कुछ देख के रुक सकते लेकिन पहले दिन ही रात को ये ट्रेन पहुँचे अगले दिन रात को दस बजे पहुंची है नई दिल्ली स्टेशन मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन क्या होता है यूनिवर्स कैसा हेल्प करता है अभी तो यूनिवर्स के बारे में पता है उस टाइम नहीं पता है लेकिन ट्रेन में मुझे एक बंदा मिला उस बंदा ने बोला बेटा आप कहाँ पर रुकने वाले थे मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं ना कोई है ठीक है मैं ऐसा एक होटल में रुक रहा हूँ आप इस रात को मेरे साथ रुक जाना ऐसा करके उसने लेके गया हुआ ले जाके खाना खिलाया फिर अपने साथ साथोमडेशन दिया और अगले दिन मुझे ऑटो करके जहाँ मुझे जाना है वहाँ भेजा हुआ मतलब यूनिवर्स कैसा हेल्प करता है ए, एक एक मिनट में हम लोग मतलब अपना पूरा जीवन जीवन में यहाँ आने के बाद भी हिंदी थोड़ा बोड़ा आता था ज़्यादा नहीं आता था लेकिन मुझे इतना कॉपरेटिव लगा था अरे किसी के पास जाके कुछ पूछो इतना अच्छा यहाँ से वहाँ से ऐसे चले ऐसे करके बताते थे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था आ, अभी इससे आपको एक चीज़ तो समझ आई राम जी की आज हमें हम उसको यूनिवर्स का नाम देते हैं या डिवाइन एनर्जी का नाम देते हैं जो भी है बट परमात्मा शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है बिल्कुल इसका लोग इसका आपने अपने बचपन से अपने टीन एज में आके अपनी जॉब्स में इसका आपने अनुभव किया और आज आप उनकी मेमोरीज के साथ जी रहे हो और रियलाइज कर रहे हो कि वो परमात्मा शक्ति शुरू से ही थी हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल तो आगे आपका आपकी जॉब शुरू हो गई जैसे आप अभी भी मतलब कि उस टाइम पे हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं थे आज तो बहुत कंफर्टेबल है हमारे से बात कर रहे हैं पर उस समय फिर आपने आगे का रास्ता कैसे तय किया जॉब में भी आ, मतलब क्या होता है कैसा कुदरत पर हेल्प करता है इसमें भी एक एग्जाम्पल था Uh, पता है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया था जैसा हमारा जॉब में था टेक्निकल सर्विस डिवीज़न था उसके अंदर क्या होता था पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डी का जरूरत पड़ती है ना वो सारी उसी लैब से जाता था मेरा बॉस कहता उसी टाइम नेटवर्किंग कंप्यूटर का शुरू हुआ था मेरा बॉस था वो भी आंध्राइट थे उन्होंने बोला राम आप सीखो काम कंपनी वाला के साथ जाके मुझे सिखाते रहना बाद में क्या क्या सीखा आपने ऐसा फुल फ्रीडम दिया था एक साल के अंदर मैंने इतना सारी चीज़ें सीखा और कंप्यूटर uh, नेटवर्किंग सीखा था वेब डिजाइनिंग सीखा था और पेज uh, मेकर में डीटीपी का, का काम कैसे करना ये सब कुछ एक साल के अंदर मैंने बाहर कोई कोर्स ना करते हुए अपने अंदर मुझे एक चीज़ हमेशा लगता है जो आपका सामने जो रिसोर्सेस आपके अवेलेबल है हर एक अंदर इंसान के अंदर सीखने का आ, बस आ, एक इच्छा होना तमन्न चाहिए इच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन लर्न कोई भी चीज़ है कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होता है ये हमें लगा था अपना लाइफ में क्योंकि अपने सामने जो चीज़ आ रहा है बस वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करके उसके साथ आपको चलना है उस टाइम हम लोग अब्दुल कलाम जी था जो राष्ट्रपति थे उनके पास भी जाके डी का वेबसाइट का हम लोग एक एक करके मेरा बॉस और मैं और एक और हम लोग उनको दिखाए थे प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा मौका मिला वहाँ पर इसके वजह से मुझे बाद में पता चला बहुत सारे लोग हमसे देख के जलते थे ये मुझे नहीं पता चला रहा बहुत सारी पॉलिटिक्स होता है ये सब कुछ हमने बिल्कुल इंटरफ्य हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे आ, जो मेरे बॉस के अगेंस्ट जितना भी है वो मेरे अगेंस्ट हो गया करके बाद में पता चला वो फिर हमारा रेगुलर होने का जब जॉब का आया था उस टाइम उन्होंने सारी आ, उसको नहीं होने दिया इंक्लूडिंग ये मेरा उस जो लैब था डेस्कटॉक का उसके अंदर डायरेक्टर था एस एस मूर्ति जी था उस टाइम उनको भी मैंने कंप्यूटर सिखाया था देखो कहाँ पे मैं खुद सीख के फिर मैं उनको सिखाता था ये मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो ये जो एक साल मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद फिर उन्हें एक्सटेंड करके फिर और लगभग एक साल और किया था जैसा फिर बाहर मौका देख के फिर मैं अपना दूसरा नौकरी देख के फिर मैं वहाँ से बाहर खा के दूसरे जॉब में से सेट किया था तो, एक मिनट हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़े तो हम अब आपके आगे के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जॉब भी कर ली पढ़ भी लिया और बहुत कुछ सीख भी लिया तो आगे जीवन होता है कि एक गृहस्थ जीवन को बनाना तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं 1997 में हमारा शादी फिक्स हो गया था फिक्स होने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गए थे इधर दिल्ली आने के बाद फिर हमारा कम्युनिकेशन था उस टाइम लेटर्स के थ्रू चलता था आ, उस टाइम ना मोबाइल फ़ोन होता थे ना कुछ था जो भी लेटर हम लोग लिखते थे आपस में ऐसा लगभग दो साल चला बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था फिर जैसे शादी आने शादी करने का टाइम आया मेरे फादर ला है वो बहुत बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर है वहाँ पे उनके मतलब कई हजार लोग मतलब मंडल का जो भी दो दो मंडल का वो प्रेसिडेंट थे फिर उन्होंने सोचा जब शादी करेंगे पूरा सबको बुलाएंगे तो फिर बहुत सारी खर्चा आएगा फिर उसके बाद फिर उधार हो जाएगा ऐसा करके उन्होंने सोचा पार्टी मैरिज करने के लिए उन्होंने उस टाइम सोचा था कम्युनिस्ट पार्टी मैरिज होती है वो मैरिज में क्या होता है बड़ों को मतलब तो लड़का लड़की को और बड़ों सामने के सामने बिठा के पूरा पढ़वा के जैसा वोट लेते ना ऐसा होता था फिर वो मैरिज करने के लिए मेरा वाइफ ने बोला मेरा फादर ऐसा सोच रहा है मैंने बोला अपना परिवार तो मानेंगे नहीं कम्युनिस्ट पार्टी मैरिज के बारे में बोला हुआ तो फिर मुझे आ, अपना पेरेंट्स को मनाना पड़ा क्योंकि हमारा ऑलरेडी अरेंज मैरिज था फिर भी क्या हुआ जैसा कम्युनिस्ट पार्टी नाम सुन के ही एकदम मेरे पेरेंट्स ने अजीब सा मतलब एकदम रिएक्शन आया ऐसा हम लोग हिंदू है हिंदू मैरिज होना चाहिए ऐसा कैसा है फिर उन्होंने बोला जैसा आ, मैंने बताया था क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है बाद में फालतू का ऐसा इनका ऐसे दिक्कत है फिर उन्होंने मान लिया मतलब क्या मैनिफेस्टेशन कैसा कर सकते ये तो अभी हम लोग स्पिरिचुअलिटी माने को पता चला लेकिन हम लोग पहले ऐसा कर, किया हुआ मैनिफेस्टेशन करके फिर अपना शादी हुआ था नाइनटीन नाइनटी नाइन मई नाइन में जैसा हमारा शादी होने के बाद मैं और दीप्ति जैसा दिल्ली आके फिर हम लोग रहने लग गया था फिर डे वन से ही लगा था हमें किराए के मकान में रहे क्योंकि बचपन में हम लोग अपना मकान होता था कभी किराए में रह के आदत नहीं था फिर हम लोग लगा था कैसे भी मकान लेना चाहिए ये एक हमने सोचा था उस तो जैसे शादी होने के बाद तो हम लोग ऐसा रहते थे एज लाइक ए फ्रेंड्स पूरा मस्ती करते थे हम लोग कहीं भी जाना कहीं भी करना रात को इंडिया गेट चले जाते थे मतलब तो पूरा मस्ती करते हुए हम लोग अपना जीवन शुरू किया था करने के बाद हमने सोचा एक एक चीज़ लो हम लोग अपना घर पे अरेंज करते हुए फिर हमने सोचा लगा कहीं हम लोग किराए के मकान में रहना नहीं चाहिए एक अपना खुद का मकान होना चाहिए ये हमने संकल्प मतलब सोच लिया था आ, संकल्प कर लिया करने के बाद ये 2006 में अपना वो मैनिफेस्ट हो गया संकल्प लेने के बाद जो चीज़ हम सोचते हैं कैसा वो होता है हम लोग अपना रियल जिंदगी में एक्सपीरियंस करते आया हुआ और मेरा बेटी का जन्म भी उस टाइम मतलब जैसा हमें पता चला प्रेगनेंसी है उससे पहले मुझे बताया था ना टेक्निकली मैं पूरा आर एन डी करता रहता हूँ पूरा मतलब हर एक चीज़ सीखने में फिर मुझे लगा था जैसा बेबी कैसा होता है क्या होता है फिर ये चीज़ मैं पहले से नेट पे ढूंढना लग गया था फिर मुझे लगा वीकली चेंजेस कैसे बच्चे के अंदर होता है ये मैंने देख लिया देख के मैं प्रिंट प्रिंटआउट लेके हम दोनों पूरा एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे के ऊपर हंड्रेड परसेंट इम्प्लीमेंट करते हुए उसको जैसे हर हफ्ता हम लोग हर दिन बात करते हुए जैसे ऑफिस में जाने के बाद बेबी का मूवमेंट्स कैसा हो रहा है हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व किया हुआ आ, ये इसका रिजल्ट अब हर दिन तो उसका मूवमेंट जैसा ऑफिस में आते उसका एकदम पेट में चेंजेस दिखता था करने के बाद फिर नाइन्थ मंथ में हम लोग डिलीवरी के लिए आंध्रा चले गए थे आंध्रा जाने के बाद वहाँ जैसा डिलीवरी हो गया था फिर मैं वापस दिल्ली अपना जॉब पे आ गए थे जॉब पे आने के बाद फिर पाँच महीने मैं जाने पाया था अभी छुट्टी ना होने की वजह से फिर जैसा आया ट्रेन में वो लोग आया मैं स्टेशन गया था एकदम मुझे देख के हंसना और जैसा ऐसा ऐसे करते ना बच्चे एकदम ऐसे करने लग गया था मुझे लगा फिर हम दोनों ने पास सोचा था जो हमने पहले से कम्युनिकेट करना शुरू किया था वो सब कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट दिख रहा है मतलब क्या होता है बच्चों से कम्युनिकेट करना पेरेंट्स कितना खुशी से रह के उस टाइम जीवन करना ये सब कुछ हमें लगा था उस टाइम हाँ राम जी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बताई कि अगर हमें पेरेंट्स को पता चल गया है कि हम किसी बच्चे को इस जीवन में ला रहे हैं तो हमें उसके लिए पूरी तैयारी पहले से ही करते रहना चाहिए उसके फर्स्ट डे से ही हमें पूरी तरह से तैयार करना चाहिए अपना प्यार भी देना चाहिए बातचीत भी करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पति पत्नी को आपस में जो उनका व्यवहार है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि उसका इंपेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत पड़ता है बिल्कुल क्योंकि बच्चा पैदा होने से पहले ही उनका बेबी के जब पेट में होता है, तभी पूरा जो भी प्रोग्रामिंग होना सब कुछ हो जाता है हम सोचते है बाहर आने के बाद कर ऐसा नहीं होता है आ, ये हम लोग प्रैक्टिकली एक एक चीज को हमने देखा हुआ था राम जी आपके जीवन के अंदर ध्यान कब आया ध्यान हमारे पास जीवन में आया था दो में वो भी क्या हुआ था आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी का इलेक्शन चल रहा था इलेक्शन में कैंपेनिंग करते हुए एक मास्टर आया था एक मास्टर ने बोला मैं अबा का सिखाता हूँ आपको बच्चों का सिखाना तो बता दा हमने बोला ठीक है मेरी बेटी है आप आके सिखा देना मेरे दोस्त के दो बच्चे थे और वो आके सिखाना शुरू किया था करके उन्होंने ध्यान में बिठाया हुआ ध्यान में बिठाने के बाद पहले दिन ही मैडम जैसा दीप्ति वो एकदम डीप पे पहुंच गई उनका जैसा वो जैसा मेडिटेशन करता वो उन्होंने बोला आँख बंद कर लेना फिर उसके बाद वो लोग बात कर रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर हम लोग ऐसा हर फ्राइडे क्लास होता था क्लास होने के बाद ये मेडिटेशन स्टार्ट हुआ हमारा हम लोग एक, एक आग बंद करके सोने वाला सुलने वाला केल हम, हम मैं यही सोचता था शुरुआत में तो ठीक है क्योंकि मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा इतना नहीं बिल्कुल नहीं पता था ये ना ए लेकिन मैडम के अंदर जो उनका बीमारी है था बहुत सारी डिसीजे मतलब, थे मतलब प्रॉब्लम्स थे हेल्थ का रिलेटेड वो सब कुछ विथ इन टू मंथ्स में इस मेडिटेशन में आने के बाद ठीक हो गया तो मेडिटेशन सती सती ध्यान ध्यान और कुछ नहीं करना वो करने के बाद मंथ्स में उनका पूरा खत्म हो गया और uh, तो मेडिसिन लगा पूरा जिंदगी भर जैसा uh, डॉक्टर के पीछे घूमते थे हम लोग जाके कई बार उनके पास एक घंटा दो घंटा अपॉइंटमेंट के लिए बैठना पड़ता था ठीक है और ते, ये टेस्ट वो टेस्ट करके बहुत सारे पैसा अलग लगता अलग लगता है ये सब कुछ हमारा दो महीने के अंदर खत्म हो गया फिर ये लगा ये तो यार बहुत अच्छा चीज़ है फिर तब से हम लोग मैं भी करना शुरू किया था रेगुलर जैसे मैडम का एक हमेशा ये होता था जैसे ऑफिस के बाद कहीं भी कोई क्लास होता था उनको सीखना सीखना करके वो ऑफिस के बाद चले जाती थी फिर आके फिर बताते थे ऐसा ऐसा हुआ या जो भी कहीं भी मैडम जाते थे थी, उनका एक्सपीरियंस मुझे पूरा एक दो दिन चलता था पूरा ऐसा ऐसा हुआ ये, पूरा बताते थे मैडम का बताने का बहुत इच्छा होती थी हमेशा ऐसा हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद मेरा इन ला का एक बार वहाँ पे गिर गए गिर के बहुत ज़्यादा बेड डेडन होना पड़ा वहाँ डॉक्टर्स ने बोला इनको कभी ठीक नहीं हो सकता है ऑपरेशन भी करेंगे तो हो सकता है पैराल हो सकती है आगे का कोई गारंटी हम नहीं दे सकते आ, उनका ब्रदर है ना फ़ोन करके मेरे वाइफ को कह रहा था ऐसा ऐसा मम्मी को गया करके एकदम रोने का उनका आवाज़ जैसा हुआ था उन आ, एकदम मेरे वाइफ को लगा था भैया उनको इधर भेज देना दिल्ली मैं देख लेता हूँ कुछ दिन अपने पास रखना चाहता हूँ एकदम उनको लगा पता नहीं कि फिर उन्होंने इधर बुलाया बुलाने के बाद उनको आना पाना सती मेडिटेशन बताया था बट बता, बताने के बाद उनको एस्टल हीनिंग होना शुरू हो गया उस अभी तो मैं एस्टल हीनिंग बोल रहा हूँ लेकिन मुझे उस टाइम हमें कुछ नहीं बताता इवन उस टाइम मुझे भी नहीं बताते थे मैडम लोग और ये लोग Uh, उनको कोई सफ़ेद वाला बाबा आया हुआ उनको दसूदी दा, धागा से कुछ ऐसा सिलाई कर रहा है कुछ ऐसा कर रहा है ऐसा ऐसा, ऐसा एक्सपीरियंस आता था उनको दिखता था वो दीप्ति को बताता था दीप्ति जिनसे मेडिटेशन सीखा उनको है ऐसा जो भी और अच्छा हो रहा है बस आप इसका टेंशन मत लेना विद इन वन मंथ उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया जो पर्सन ने डॉक्टर्स ने बोला था एक एक कदम में नहीं चल सकती है वो उठ के आ आरा, आरामे से सीडियोल चलना शुरू कर दिया हम लोग डांट रहे थे ऐसे क्यों थोड़ा ठीक हो गए तो कहीं नहीं रुक रहे मुझे कुछ नहीं हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल ठीक हो गया ये तो घर के अंदर मेरा खिल्स ही था दो तीन चार महीने के अंदर अपना घर पे हुआ था उसके बाद फिर हमने उसके बाद आपने रेगुलर ध्यान शुरू कर दिया रेगुलर तो जैसा मैडम का खत्म होगा तब से हमने करना शुरू कर दिया था उसके बाद फिर मैं भी जहाँ भी दिल्ली में क्लासेस होता था वहाँ पे जाना शुरू किया मतलब दो हज़ार पंद्रह नवम्बर में पहले घर से बाहर निकला था मैं क्लास अटेंड करने के लिए uh, वो पहले क्लास था पर निनिर्वान सफदर जेंग वाले में uh, एक चंद्रशेखर सर थे फरीदाबाद से वो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके वो आके अक्सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कैसा एनर्जी का क्या ये करते सब कुछ इतना अच्छा लगा था वहाँ बैठ के क्लास सुनने के बाद और लोगों के मिलने के साथ स्पेशली शास्त्री सर और आप लोगों से सबसे मिलके एक परिवार मिला बहुत बड़ा कोई भी मुझे उस दिन ऐसे नहीं लगा कहीं बाहर से हम लोग मिल रहे एक बहुत बड़ा क्योंकि ध्यान में आने के बाद हमें इतना सारे हडल्स भी आना शुरू हुआ था जो अपना खास दोस्त है जो भी लोग है वो लोग बात करना बंद करना कई सारे लोग कोई ना कोई रीजन से कुछ दूर होना ये भी शुरू हुआ हमें लगा था ये पता नहीं ये कैसा हो, क्यों हो ऐसा हो रहा है हम यही सोचते थे फिर जैसा अपना एक परिवार मिला हुआ करके ये लगा तब से लेकर हम लोग दिल्ली में कहीं भी कोई भी क्लास चलते थे अह मैं मेरा बेटी और वाइफ हम तीनों कभी मिस नहीं करते थे 99.9% हम लोग अटेंड करने का कोशिश करते थे इतना अच्छा हम लोग जाना शुरू किया तो आपकी बेटी भी हाँ बेटी भी हां जी आ, छोटे होते से ही ध्यान करना शुरू कर दिया बिल्कुल हमारे साथ कहीं भी कुछ भी हो वो जाते इवन उसने 11 ईयर में उसका इसका इकोस ऑफ सोल में उसने क्लास लिया था अंडर वन उसका बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी होता था जी इवन बुद्धा जी बुद्धा जी और जीसस से उनसे भी बात करके आई टाइम के रिलेटेड बात किया उनसे वो एक्सपीरियंस शेयर करती थी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले ध्यान में बैठती थी उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करके जाती थी तो आपके परिवार में जो पति जी का एक प्रिंसिपल था कि हमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ठीक है वो आप पहले से ही शुरू हो गया था हालांकि उतना गहराई से नहीं पता था कि इसका क्या महत्व तो है बट जैसे दीप्ति जी जाती थी और वो फिर आने के बाद आपको अपना अनुभव शेयर करती थी आपने बताया अभी कि बिटिया भी अपना अनुभव शेयर करती थी तो जो ये प्रोसेस है आपका पहले से ही चलना शुरू हो गया और उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ कि आप जब भी कोई अनुभव करें उससे पहले आपके पास एक रिकॉर्ड होता था कि हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल हमने लाइव एक्सपीरियंस किया हुआ था एक और चीज़ हमने अपना जीवन में इम्प्लीमेंट किया हुआ था ये मैंने भी पहले एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज़ को दीप्ति कहती थी अभी मेडिक्लेम हमें कोई भी नहीं लेना चाहिए ठीक है दो प्रिंसिपल्स है जो हम लोग का जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हमारा फेथ नहीं होगा तो फिर आगे करके फायदा क्या है उन्होंने कहा ऐसा बोल के मुझे तो पहले मैं रिजिट था कह रहे कभी कभी कुछ हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत कह रहे नहीं आप मेडिक्लेम बंद कर दो कोई भी चीज़ें हमें नहीं लेना है ठीक है उन्होंने मेडिक्लेम भी बंद करवा दिया अपना ये भी हमने अपना घर पर स्टॉप कर दिया आप अपने जीवन के अंदर राम जी जैसा कि ध्यान भी शुरू कर दिया अनुभव भी आने शुरू हो गए बट एक स्थिरता के साथ हम उसी के साथ जुड़े रहें तो हमें एक फिजिकल गुरु का अपियरेंस अच्छा लगता है हमेशा से तो पत्री जी जो आनापाना स्थिति ध्यान सिखाते हैं उन्होंने ही शुरुआत करी आपके जीवन में वो कब आए पत्री जी के बारे में मुझे पहली बार पता चला दो हजार पंद्रह में एक बार दीप्ति होके आई थी जुलाई में आ, ईस्ट दिल्ली में आए थे राधिका जी के घर पे वो आने के बाद भी एकदम बताए नहीं उनका बाल शुरुआत में लोग कैसा सोचेंगे करके बाद में मेरा कुछ रिलेटिवस आया तो उनको बता रहे थे ऐसा पत्री जी ऐसा ऐसे करके बता रहे थे उन्होंने बोला ये तो पत्री जी तो बहुत उनका क्लासेस अटेंड किया था आंध्रा में ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे थे मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था क्लासेस अटेंड करना शुरू किया था दिल्ली में फिजिकल क्लासेस तब पत्री सर के बारे में मुझे पता चला चलने के बाद फिर सर मार्च में आए थे फर्स्ट वीक ऑफ द वेजिटेरियन रैली हुआ था दिल्ली में उसका बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लोधी रोड में उस टाइम मेरा कजिन का शादी हो गए थे मैं आंध्रा चले गए थे तभी भी नहीं मिल पाया था उसके बाद मई में, में आए थे द्वारका में सच्चे सच्ची बाबा मंदिर में पत्री सर आ रहे करके पता चला था फिर हम तीनों चले गए थे वहाँ जाने के बाद मैडम ध्यान में बैठ गए थे उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चला था उस टाइम सर है ना मौन में थे जैसा पत्री सर आए थे फिर उनका स्पीच हुआ था स्पीच होने के बाद फिर सबसे मिल रहे थे मिलने के लिए आ रहे थे फिर मैं एक साइड पे खड़ा हो गया था ऐसा मिल रहे थे कुछ शेक हैंड दे रहे थे ऐसे कर रहे थे ऐसा मुझे लगा मेरे से शायद नहीं मिलेंगे ऐसे करके एक साइड पर खड़ा हो गया सर आए थे एकदम मेरा आँखों में ऐसे देखा देख के ऐसे एक धक्का दिया पेट पर पे मारा मारने के बाद फिर मुझे लगा कुछ पता नहीं क्या हुआ आज आ, मार के फिर चले गए थे आगे फिर वो उसके बाद घर जैसे पहुंचा था मेरा पहली वार्ड मेरा बेटी के सामने आया था आ, मैं दीप्ति तो पहले से छोड़ दिया था नॉन वेज उन्होंने कब का ध्यान में आते ही छोड़ दिया उन्होंने फिर मुझे लगा आ, मैं ऐसा आज से नहीं कहना चाहता बेटी कहती पापा मैं भी आपको यही बात बोलना चाहता हूँ आज से मैं मुझे भी यही लगा था वहाँ जाने के बाद नहीं कहाना करके फिर उस दिन से हमारा घर पे कभी उसका वर्ड कभी भी नहीं आया ठीक है उससे पहले मैंने ये अपना जीवन में ये सोचता था कभी उसको छोड़ के नहीं रह सकते करके बचपन से मेरा एक ये होता था लेकिन जब से मुझे पत्रिसर से मिला तो उसके बाद मुझे कभी वो थॉट नहीं आया कभी भी कभी उसका स्मेल भी आता है मुझे एकदम वामटिंग जैसा ऐसा आ जाता है ये मेरा बहुत बड़ा मेरा कला है तब से लेके कर पत्रिसर कभी भी दिल्ली आया नाइन्टी नाइन परसेंट मैं कोशिश करता था हम लोग पूरा सर को जाने मिलने के लिए मतलब वहाँ जाने के लिए हम लोग जब पत्री सर दिल्ली में होते तो मैगजिम टाइम हम लोग कोशिश करते उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दो हजार सोलह मई से के बाद समथिंग डिफरेंट एक एनर्जी हम फील कर रहे थे फील कर रहे थे फिर uh, जिंदगी इतना अच्छा चल रहा था एकदम uh, मार्च 2017 में uh, एकदम ये पता चला दीप्ति को सिक्स मंथ्स का प्रेगनेंसी है ये क्या हुआ हम लोग एकदम Uh, कभी हम लोग प्लान ही नहीं किया था सेकेंड बेबी के लिए मतलब तो पहले सोचा था हमने बाद में अभी ऐसा न्यूज़ सुन सकते एकदम पता चला पता चलने uh, के बाद फिर विथ इन टू मंथ्स के हमारे पास बेबी अपना हाथ में था विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन एवरी थिंक राम जी जैसे कि आपने अभी बताया कि जो आपका सेकेंड बेबी था जब क्योंकि जैसे ही कंसीव होता है बच्चा और उसके बाद डॉक्टर्स मेडिकल सारा कि ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ये कैल्शियम खाना चाहिए ये वो होना चाहिए बट आपको पता ही छः महीने बाद लगा आपको उससे पहले कोई फीलिंग ही नहीं आई है तो आप कभी ऐसा सोचा कि हम अपने आप ही नेचर ने हमें ऊपर उठा दिया इन चीजों की आवश्यकता नहीं है हमारी अपनी बॉडी ही सब कुछ हमें दे सकती है तो ऐसी कोई फीलिंग आई आपके दिमाग में ये तो जब प्रेगनेंसी पता चला तभी हमें लगा था कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है ये भी एक मिराकल था हाँ कि छह महीने तक तो आप फ्री घूम रहे अभी हाँ। छह महीने हम लोग घूम बाकी दो महीने में ऐसे घूम सकते इसमें क्या होगा ठीक है हमें कुछ क्योंकि जब प्रकृति हमें देख रहे हैं जो नेचुरल देख रहे हैं हमें जो चाहिए हमें वही करना है ये हमने सोच लिया था उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं लिया था लेकिन बेटा होने के बाद हमें ये लाइफ में अपना जीवन में ये पता चला हमें वापस कैसे ग्राउंडिंग करवाना है ठीक है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी करके हम लोग क्लासेस अटेंड करना ये करना फिर अपना इनर चाइल्ड फिर दोबारा जगाने के लिए बच्चों के साथ कैसा खेलना ये करना ये इससे डिफरेंट एक्सपीरियंस ये जैसा बच्चे होने के बाद जो हमें फिजिकली हमें जो एक्सपीरियंस मिला था हमें लगता है यही सिखाने के लिए फिर ये बच्चा हुआ था वापस हमें ग्राउंडिंग में ले आके और काम करवाने के लिए मतलब कि जो एक पति जी प्रिंसिपल बताते हैं कि संसार में ही निर्वाण है तो उन्होंने बजाय इसके कि एक ही लाइन में आप उस तरफ चलते रहते निर्वाण की तरफ उन्होंने इसके माध्यम से आपको संसार में वापस फिर से स्टेबल किया ग्राउंडिंग करवाई आपकी ताकि आप दोनों का अनुभव साइड बाय साइड ले सके बिल्कुल और ग्रोथ अपनी और अच्छे तरीके से बढ़ा सके बिल्कुल जी जैसा कि राम जी आपके जीवन के अंदर सभी अनुभव आ रहे थे आपने पति जी से भी मिल लिया और और ऐसा कौन सा इंस्टेंस आया आपके जीवन के अंदर जिसने आपके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया पति जी के साथ रहते रहते एक नया मोड़ आपके जीवन के अंदर आया उसके बारे में जानना चाहते दो 2017 में सब में नवंबर में पत्रिसर आए थे पर निनिर्वण में दिल्ली आए थे दिल्ली आए थे तो हम लोग गए थे सर के साथ लगभग तीन चार घंटा हम लोग टाइम स्पेंड किया था तो तब सतीश अग्रवाल जी का बेटी का शादी में जा रहे थे जाते जाते सर जब भी हैदराबाद से आते कुछ ध्यान जगत मैगजीन ले आना ऐसा सर ले आके सबको देते थे फिर सर जाते जाते मुझे देख के बोला वसंत मैडम को इनको ध्यान जगत का मैगजीन दे, दे देना आ, वसंता मैडम ने बोला ठीक है सर हम दे देंगे ये बोला फिर सर बाहर चले गए थे बाहर जाके चप्पल पहने फिर एकदम चप्पल उतार के एकदम इतना स्पीड से अंदर आया आके ध्यान जगत मैगजीन टेबल से निकाल के मेरे पास आके ये लेना करके मुझे दिए थे देते दीप्ति कहती है ये आपका जीवन का आ, टर्निंग पॉइंट है आगे से कभी पीछे मोड़ के देखना नहीं है जो काम करने के लिए पत्री सर ने ध्यान जगत मैगजीन आपके हाथ में दिया इसको हमेशा आपको आगे निभाना है ऐसा करके मैडम ने बोला था फिर तब से लेके फिर आ, एकदम समथिंग डिफरेंट मतलब हम लोग सेवा में फुल्ली इन्वॉल्व जो काम करने आगे फिजिकली जाके क्लासेस लेना शुरू किया था ये मतलब समथिंग डिफरेंट राम जी अभी तक हमने आपके अभी तक की इस सुंदर यात्रा से बहुत कुछ सीखा है कि जीवन के अंदर जो एक सीखने की इच्छा है उसको बनाए रखो और अपना पूरा समय अपने आगे की और जर्नी में इन्वॉल्व करते रहो अपने नए नए अनुभव लेते रहो कभी भी पीछे मुड़ के उनसे कुछ गिल्ट बनना या स्ट्रेस रखना इन सब को छोड़ते हुए जीवन को आनंदमय जीवन को जीना जो भी पल आया उसको आपने जिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी बहुत कुछ है आपकी सुंदर यात्रा में सुनने के लिए हम आपसे पुनः मिलेंगे तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं थैंक यू थैंक यू दर्शकों अभी तक की इतनी सुंदर यात्रा में जो हमने सुना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बचपन से ही हमें बहुत सी चीज़ें सिखा दी जाती हैं पेरेंट्स के माध्यम से कि कैसे हमें समाज में रहना है कैसे मिलकर रहना है और हमेशा हर कार्य को करते रहे जैसा कि राम जी ने अपने जीवन के अंदर सभी कार्य बचपन से ही सीखने शुरू कर दिए किसी चीज़ के लिए उन्होंने परहेज नहीं किया चाहे कोई भी कार्य किसी तरह का हो पढ़ लिखने के बाद भी उन्होंने एग्रीकल्चर का भी काम किया खाना बनाना भी सीखा समाज में रहना भी सीखा हर स्ट्रगल को संघर्षों को उन्होंने जीना इसी प्रकार से उनके आगे के जीवन के अंदर जो उन्होंने अध्यात्म में अपना कदम रखा पति जी से वो मिले पति जी के जीवन से उनके जो करने के तरीके से क्या सीखा उन्होंने कैसे उनके जीवन में और नए परिवर्तन आए जानिए अगले एपिसोड में हमारे साथ बने रहिए राम जी के साथ तब तक के लिए आज्ञा जा बहुत बहुत जैसे तो पत्नी सर का मैसेज है ना हर दिन का हमें इतना इंपॉर्टेंट लगता था ना जैसा सर का मैसेज होने से पहले पंद्रह मिनट पहले हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठते थे फिर सर का मैसेज के लिए इंतजार करते थे क्योंकि हर दिन एक नया मैसेज एक नया चीज़ें सिखाने के लिए होता था जैसे इनर्जन चल रहा था उसी टाइम में न्यू एनर्जी वर्कशॉप किया था सेहत वीजन वर्कशॉप किया था हमने एक जैसा उसी पार्टिसिपेंट्स के अंदर से एक टेक्निकल टीम फॉर्म किया था ऐसा एक एडमिन टीम कैसा का काम करती है ये सब कुछ मैंने वहाँ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देखा था और सीखा था जो मैं कहता हूँ ना कभी कोई काम आता है एकदम सोचता मुझे क्या इन्वॉल्वमेंट करना है लालकृष्ण सर ने फ़ोन करके कहते हैं राम आपको है ना इसके अंदर पूरा टेक्निकल का आप देखना है मैंने बोला मतलब सर मुझे क्या जरूरत है और लोग आए ना वो देख लेंगे कह रहे हैं नहीं आपको रहना है